दिया चाल आगे आपका भाई आपका दोस्त आपका प्रोड्यूसर विराट एक नए बेहतरीन वीडियो लेके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बैक। बैक की बड़ी मसल्स कैसे बनाएं, बिशेप कैसे बनाएं, सही टेक्निक क्या होती है, क्या सही होता है लगाने का तरीका, इसमें हमारी मदद करेंगे मेरे भाई मिश्रा दिल्ली में रह चुके हैं। तो दोस्तों लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें मैं आपको सही टेक्निक बैक की क्या होती है, कौन सा एक्सरसाइज किस मसल्स पे काम करता है और क्या सही तरीका है लगाने का वो आपको बताऊंगा। यानी दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज होने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है मेरे भाई के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं, पहला वर्कआउट जिसका नाम है लेग पुट डाउन। पहले बताएं गलत तरीका, कल मैंने पूरी बॉडी हिल रही है, मसल्स पे कहीं लोड नहीं आ रहा है, अब हम बताएंगे सही तरीका। मैंने सही तरीका चलो स्टार्ट, पूरी बैक पे लोड आ रहा है, इसका बॉडी बिल्कुल नहीं हिल रही है और देखने में कितना मजा आ रहा है, कितनी मसल्स पे पूरा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये है हमारी पहली एक्सरसाइज लेग पुट डाउन। तो दूसरा हमारी जो एक्सरसाइज है वो है बैक लेग पुट डाउन, वो हम शुरू करते हैं किस तरह लगाते हैं गलत और सही। पहले गलत एक्सरसाइज लगा के बताएंगे, मैंने सब बेकार वर्कआउट लगाने में कोई फायदा नहीं है, अब बताएंगे सही तरीका। सही तरीका क्या होता है, मैंने इसको कहां तक लेके जाना, बस ये इससे नीचे नहीं लेके जाना है इसको, ठीक है दोस्तों, ये है सही तरीका। ओके रिलैक्स। दोस्तों तीसरा हमारा जो वर्कआउट है वन आर्म डंबल, वो पहले गलत तरीका बताएंगे फिर सही तरीका बताएंगे। पहले मैंने गलत तरीका बताओ, पर डंबल हिल रहे हैं, वेट उठाने कोई फायदा नहीं है, पैर पे बिल्कुल लोड नहीं आ रहा, अब बताऊंगा सही तरीका क्या होता है। मैंने भाई सही तरीका बताओ, सिर्फ बैक पे ये पोर्शन काम कर रहा है, ये एक्सरसाइज काम कर रही है, पूरा लोड बैक पे आ रहा है, पूरी बैक खींच रही है, स्लोली स्लोली सेट को लगाओ पूरा लोड बैक पे आएगा, ये है सही तरीका लगाने का इसका। दोस्तों चौथा जो हमारा वर्कआउट है वो है सिटी ड्रिल। सिटी ड्रिल में बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, सब दूसरे लड़के को लगाते हैं लेकिन सही तरीका किसी को नहीं आता, तो सही तरीका देख लीजिए क्या होता है लगाने का। पहले गलत तरीका, मैंने शुरू करो गलत तरीका, पूरी बॉडी हिल रही है, मसल पे कोई लोड नहीं आ रहा, बस मशीन से खेल रहे हो और कोई फायदा नहीं, अब बताएंगे सही तरीका क्या होता है। मैंने सही तरीका बताओ, पोजीशन लेके पूरी पेट थोड़ा आगे छोड़ देख सामने हल्का आगे, ये पूरा लोड बैक पे आएगा इस तरीके से, ये टेक्निक से अगर आप सिटी ड्रिल लगाओगे तो पक्का बैक पे मसल्स पे रेड मिलेगा आपको, बैक पूरी खींच रही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा पांचवा वर्कआउट है बैंड ओवर, पहले बताएंगे सही तरीका फिर गलत तरीका। लेकिन दोस्तों जब आप ये एक्सरसाइज लगाएं तो बेल्ट जरूर बांधें क्योंकि सबसे ये रिस्की सेट होता है, इसमें लोअर बैक में पेन होने का पूरा चांस होता है, तो बेल्ट जरूर लगाएं। पहले गलत तरीका क्या होता है, पूरी बॉडी हिल रही बंदे की, बस सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छे से मार रहा हूं लेकिन ये मारने एक्सरसाइज बेकार है, मैं आपको बताऊंगा सही तरीका। सही तरीका दोस्त, नीचे 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 ये बॉडी नहीं हिलनी, हाँ ये है बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका, इससे पूरी मसल्स पर लोड आएगा, करके देखना ना मजा आए तो मुझे बोलना भाई। दोस्तों हमारी जो छठी जो एक्सरसाइज है वो है टी बार। टी बार को लगाने का सही तरीका बताऊंगा लेकिन दोस्तों उससे पहले बेल्ट जरूर बांध लें क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत रिस्की होती है, इसमें लोअर बैक पेन होने का पूरा चांस होता है, तो बेल्ट जरूर बांध लें। तो पहले बताएं गलत तरीका, मैंने गलत तरीका बता भाई, ये देखो पूरी बॉडी हिल रही है, बंदा लग रहा बढ़िया शॉट मार रहा हूं, गधों की तरह पेट उठा रहा है लेकिन मसल्स पे कोई फर्क नहीं आ रहा, अब बताते हैं सही तरीका क्या होता है। सही तरीका बॉडी पूरी स्टेबल है, खाली मसल्स बैक ही हिल रहे हैं,
पूरा लोड बैक पे आ रहा है, तो इस तरह से अगर आप लगाओगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। ओके, तो दोस्तों जो हमारे साथ ही एक्सरसाइज है वो है क्लोज ग्रिप लैट पुट डाउन। इसको वही सही तरीका पहले फिर गलत, पहले गलत बताएंगे फिर सही तरीका बताएंगे। चलो विनय भाई, ये तो वही पूरी बॉडी हिल रही है, बैक पे कोई लोड नहीं आ रहा, वेट मारने का कोई फायदा नहीं है, तो उसको सही तरीका क्या होता है वो आप देख लो भाई। ठीक है, चल भाई मेरा भाई, सही तरीका कोनिया पूरी मिला के और बॉडी नहीं हिलनी चाहिए, स्लोली स्लोली जितना सेट को स्लोली लेके जाओगे आराम से लगाओगे उतना बैक पे लोड आएगा इसका। ये है सही तरीका। ओके, तो दोस्तों हमारी आठवीं जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है आर्म पुल डाउन। इस एक्सरसाइज को ज्यादातर बच्चे गलती मारते हैं, सही तरीके से लगाते ही नहीं है, तो पहले बताएं गलत तरीका, मैंने गलत तरीका बता भाई। पूरी बॉडी इसकी हिल रही है और इसी तरह लगाते हैं बच्चे, ये मैंने ज्यादातर दिनों देखा 100 में से 90% बच्चे इसी तरह लगाते हैं इसको, लेकिन ये बहुत गलत तरीका, बस वेट मार रहे हैं और कुछ नहीं। सही तरीका बता भाई, पूरी बॉडी स्टेबल है, खाली मसल्स काम कर रही है और बॉडी कहीं नहीं हिल रही, सिर्फ बैक पे काम कर रहा पोर्शन ही आपका, और सर देखने में कितना प्यारा लग रहा है। आर्म पुल डाउन का सही तरीका यह है लगाने का, अगर इस तरह अगर आप लगाओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, रिलैक्स। हाँ तो दोस्तों आपने भी देखा, मैंने बैक की आपको 8 एक्सरसाइज के बताई, उनके नाम भी बताए दोस्तों, मैंने सही गलत और दोनों तरीका आपको बताया, और अगर आपने सही तरीके से सही टेक्निक से इस वर्कआउट को लगाया जैसे कि मैंने बताया है, आपको 200% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों इस बैक वर्कआउट को फॉलो कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, हमारे मेरे भाई को थैंक यू बोल दो, इन्होंने बड़ी हेल्प की हमारी बैक का वर्कआउट लगाने के लिए। तो दोस्तों मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, शायद बैक की, शायद शोल्डर की या प्रेसर स्टेशन होगी वो। नमस्कार, धन्यवाद। तेरा बापा।